ये लीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी के मंत्री अब पद चाहते ही नहीं। आई सुरेश गोपी। ये कोई और नहीं बल्कि केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खोलने वाले सांसद सुरेश गोपी पर दावा किया जा रहा है। जी हाँ, आपने इन्हें दक्षिण की कई फिल्मों में देखा होगा, और अगर आपने अब तक इन्हें नहीं देखा तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बाद ये चेहरा आप भूल नहीं पाएंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है HCN न्यूज में, मैं हूँ आपके साथ रंजना उपाध्याय। 9 जून 2024 को कई टॉप लेवल के पूर्व मंत्रियों को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं दी गई। कई नेता निराश हुए तो कई की किस्मत चमक गई। इनमें से एक हैं सुरेश गोपी, जिन्होंने केरल के त्रिशूर से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी गए। ऐसे में केरल में बीजेपी के एकमात्र और इकलौते सांसद को मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में भी जगह दे दी। कल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई थी, लेकिन अब दक्षिण राज्य में खाता खोलने वाले और सफल रहे सुरेश गोपी को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्हें इसी मंत्रिमंडल से मुक्ति चाहिए। दरअसल इसके पीछे का कारण बताया गया कि उन्हें इस पद की जरूरत ही नहीं है, जबकि वो अपनी सांसदीय ईमानदारी से करना चाहते हैं। दावे अनुसार केरल के बीजेपी सांसद ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर अपनी फिल्में करनी है, लेकिन सच हम आपको बताते हैं। इस खबर के बीच सुरेश गोपी की टीम ने ट्वीट कर अपनी बात लिखी और कहा, सुरेश गोपी ने अभी तक सांसद और राज्य मंत्री के रूप में लोकसभा में कदम नहीं रखा है। वामपंथी मीडिया ने पहले ही झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी है। उन्हें मंत्रालय नहीं चाहिए, ये त्रिशूर के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए है, चूंकि वो जीत गए हैं इसलिए उन्हें अब कोई परवाह नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि सुरेश गोपी लोकसभा सांसद चुने जाने से पहले राज्यसभा सांसद थे। उन्होंने राज्यसभा में कार्यकाल को 2016 से लेकर 2022 तक पूरा भी किया है। हालांकि वो दक्षिण भारत के एक बेहतरीन सुपरस्टार भी माने जाते हैं, जिन्होंने मनोरंजन जगत में खूब पॉपुलैरिटी पाई, और ऐसे में अब जो खबरें चल रही है उसकी पुष्टि साफ हो गई है, जहां ये बात साफ है कि सुरेश गोपी मंत्रिमंडल में ही शामिल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और देखते रहे HCN न्यूज़। धन्यवाद।